देखिए आज की ताजा खबर। हर किसी की जिंदगी में एक लकी चार्म होता है जो कि उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर पर्सन को आगे लेके जाता है। जैसे मेरी जिंदगी की अगर मैं बात करूं तो मेरे लकी चार्म है आप लोग, मेरे YouTube के फैमिली मेंबर्स, फिल्मी आरा के फैमिली मेंबर्स। और अगर मैं बात करूं यहां पर भाईजान की, तो भाईजान की जिंदगी में लकी चार्म है नहीं इंसान नहीं है वो दरअसल है उनके राइट हैंड का ब्रेसलेट। आप अक्सर सलमान खान को उस ब्रेसलेट के साथ स्पॉट कर सकते हैं दोस्तों। उनकी कोई भी फोटो उठा लीजिए, वीडियो उठा लीजिए, वो ब्रेसलेट पहनते ही हैं। अब दोस्तों ये जो ब्रेसलेट है ना, ये टर्कोइज ब्लू कलर का है, ठीक है। और ये भाईजान का तो लकी चार्म है, साथ ही साथ ये एक फैशन स्टेटमेंट भी है। भाईजान के जितने भी चाहने वाले हैं जो कि डाई हार्ड सलमानियंस हैं, वो हमेशा इस ब्रेसलेट को पहनते हैं और भाईजान की तरफ अपना सपोर्ट, अपना लव, अपना रिस्पेक्ट दिखाते हैं। यहां पर जो मैं बात करूंगा वो करूंगा इस ब्रेसलेट के बारे में फिल्मों के साथ मिलाकर। 2009 में एक फिल्म आती है वॉन्टेड। वॉन्टेड का जब पोस्टर रिलीज हुआ था दोस्तों, उसमें भाईजान ने एक हाथ में गन पकड़ी थी और एक हाथ में यही ब्रेसलेट था। सेम वही 2018 में 9 साल बाद भाईजान का यही लुक, मतलब गेटअप अलग है और सारे चीजें अलग हैं, लेकिन वो ब्रेसलेट सेम है दोस्तों। और हाथ में भाईजान के है CP99, जो मैंने आपको बताई थी एयर पिस्टल होती है ये, वो है। तो दोस्तों 9 साल बाद भाईजान ने ये जो ब्रेसलेट है पर्टिकुलरली पोस्टर में इस्तेमाल किया। आई एम श्योर ये रॉक करने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए 2009 में जब वांटेड आई थी तब ये भाईजान की कमबैक फिल्म की तरह मानी जा रही थी और लोगों ने, दर्शकों ने इतना प्यार दिया कि भाईजान आज एक नंबर टॉप पर पहुंच गए। उससे पहले अगर आप भाईजान के करियर को देखें तो भाईजान का करियर ठीक ठाक चल रहा था, मतलब ऐसे प्लेन चल रहा था। लेकिन जैसे ही वांटेड आती है दोस्तों, और वांटेड ने एकदम अलग इमेंस हाइट पहुंचाई थी और भाईजान को दिलों पर राज करने का एक और मौका दिया था। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि रेस 3 भी यही करती है या नहीं। रेस 3 के साथ इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहां पर सिर्फ एक सिमिलैरिटी है और वो है भाईजान का ब्रेसलेट। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, भाईजान का ये लकी चार्म उनके लिए कितना ज्यादा लकी होगा, ये मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय लकी चार्म माय फैमिली मेंबर्स, टेक केयर। कृति सेनन बनने जा रही है एक और बिग वेंचर का हिस्सा। वेल, पिछले कुछ समय से ही हाउसफुल 4 में कृति सेनन के होने की खबरें आ रही थी और अब खबरों के मुताबिक साजिद नादियादवाला के प्रोडक्शन हाउस तले बनने जा रही हाउसफुल के चौथे इंस्टॉलमेंट के लिए कृति सेनन को साइन कर लिया गया है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, साजिद नादियादवाला ने ही कृति को बॉलीवुड में फिल्म हीरोपंती के साथ लॉन्च किया था। वेल, इस बारे में बात करते हुए कृति इस दिन काफी एक्साइटेड दिखाई दी। उन्होंने इस बिग वेंचर में अपने होने की खबरों पर मोहर लगाते हुए कहा, हाउसफुल 4 की कास्ट को ज्वाइन करना घर लौटने जैसा था। मैंने अपना सफर साजिद सर के साथ हीरोपंती से शुरू किया था, तब से वो हमेशा मुझे गाइड करते आए हैं और अब इस सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में काम करने को लेकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे अब अक्षय के ऑपोजिट हाउसफुल 4 में कृति को देखना वाकई में दिलचस्प होगा। बता दे, इस फिल्म में कृति अक्षय के लव इंटरेस्ट की भूमिका में दिखाई देंगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। वादे के अनुसार सलमान ने एक और रेस 3 परिवार के सदस्य के साथ दर्शकों को रूबरू करवाया। सिकंदर सलमान और जेसिका जैकलिन के बाद यश बने बॉबी देओल ने दिया इंटरनेट पर दस्तक। जहां फर्स्ट लुक में बंदूक ताने चेहरे पर गुस्सा लिए बॉबी को देख उनके फैंस की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस फर्स्ट लुक को देखने के बाद नए सिरे से बॉबी के प्यार में पड़ गए और नतीजन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्वीट्स, रीट्वीट्स, कॉमेंट, लाइक, शेयर और लव की बारिश हो गई। वैसे पिछले कुछ समय से ही ये सोल्जर एक्टर सिर्फ कॉमेडी करते ही नजर आए हैं और ऐसे में एक बार फिर उन्हें एक्शन में वापसी करते देख उनके फैंस काफी खुश हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म की, तो फिलहाल रेस 3 का आखिरी शेड्यूल आबू धाबी में फिल्माया जा रहा है। बता दें, इस साल ईद पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए तैयारी में है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या आपको भी पसंद आया बॉबी देओल का ये नया पुराना एक्शन हीरो लुक, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में।
बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। रेस थ्री के नाम डेडिकेटेड इस पूरे हफ्ते में हम एक एक कर रेस थ्री के फैमिली के सदस्यों से रूबरू होते आए हैं। सिकंदर बने सलमान, जेसिका बनी जैकलिन और यश बने बॉबी के बाद अब संजना बनी डेजी शाह ने दिया इंटरनेट पर दस्तक। जहां हाथ में गन लिए एक सुपर स्टाइलिश अवतार के साथ डेजी ने किया दर्शकों का स्वागत। वेल, जय हो गर्ल। डेजी को सलमान के साथ देखने की उत्सुकता तो वैसे ही थी और अब उन्हें इस ग्लैम डॉल अवतार में देख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्वीट, रीट्वीट, लाइक, लव, कमेंट और शेयर का सैलाब ही आ गया। लगता है फैंस डेजी को इस सुपर स्टाइलिश अवतार में देख काफी एक्साइटेड हैं। बात करते हैं इस फिल्म की। सलमान खान स्टारर रेस थ्री उनकी इस साल की ईद रिलीज होने जा रही है, जहां अनिल कपूर, बॉबी देओल, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह और सकीब सालिम मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, डेजी शाह के लुक से आप कितने इम्प्रेस्ड हैं? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। क्या हॉलीवुड के रैम्बो सिल्वेस्टर स्टालोन बनने जा रहे हैं रेस थ्री का हिस्सा? क्या सिल्वेस्टर स्टालोन देंगे रेस के तीसरे इंस्टॉलमेंट पे कैमियो? वेल, जबकि ये पूरा हफ्ता रेस थ्री फैमिली से रूबरू होने के लिए डेडिकेटेड है, ऐसे में अचानक सिल्वेस्टर स्टालोन की एक वीडियो जहां वो अपनी अपकमिंग वेंचर क्रीड 2 को प्रमोट करते नजर आए, उसको शेयर करते हुए सलमान ने इस दिन ट्वीट किया, जबकि ये पूरा हफ्ता रेस थ्री फैमिली से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वहीं आप लोगों के लिए ये जानना भी जरूरी है, जिसके बाद से ही अफवाह का बाजार गर्म है कि शायद रेस थ्री में सिल्वेस्टर स्टालोन का एक कैमियो भी हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो वो सिल्वेस्टर स्टालोन का दूसरा बॉलीवुड स्पिन ऑफ होगा। इससे पहले वो फिल्म कम्बक इश्क में कैमियो देते नजर आ चुके हैं। वैसे इन अफवाहों को सच होते हुए देखना वाकई में दिलचस्प होगा। क्यों? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूँ मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। कटरीना कैफ की एक झलक लोगों को दीवाना बना देती है और अब बी टाउन के दोनों सुपर खान्स कटरीना को मनाते दिखाई देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वेल, आप लोगों को ये तो याद ही होगा, पिछले साल शाहरुख खान की अपकमिंग वेंचर जीरो में सलमान खान के कैमियो को लेकर खबरों का बाजार गर्म था। बता दें, डायरेक्टर आनंद एल राय के निर्देश में बन रही इस फिल्म में कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे और अब खबरों की माने तो इस गाने में सलमान और शाहरुख दोनों ही कटरीना को मनाते दिखाई देंगे। जी हाँ, सोर्सेस के मुताबिक ये एक फन नंबर होगा जहां दोनों खान्स कटरीना को मनाते दिखाई देंगे। लेकिन कटरीना आखिर में किसे चुनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वेल, इतने सालों बाद बॉलीवुड के करण और अर्जुन को एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते देखना उनके फैंस के लिए भी काफी दिलचस्प होगा। क्यों? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। बी टाउन के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और बिजनेस मैग्नेट मुकेश अंबानी जल्द ही कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। वेल, थग्स ऑफ हिंदुस्तान स्टार आमिर खान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ समय से ही अफवाहों का बाजार गर्म है कि आमिर खान महाभारत के स्क्रीन अडेप्टेशन को लेकर आ रहे हैं और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक थग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग रैप अप करने के बाद आमिर महाभारत पर बेस्ड इस मूवी सीरीज पर काम करना शुरू कर देंगे, जिसे बिजनेस मैग्नेट मुकेश अंबानी को प्रोड्यूस करेंगे। खबरों का तो ये भी दावा है कि 1,000 करोड़ के प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ इस सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स जितनी होने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप आमिर खान और मुकेश अंबानी के इस प्राइसी कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं? क्या आप भी देखना चाहेंगे इंडिया के गेम ऑफ थ्रोन्स को? हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। बी टाउन के बादशाह शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर अपने करिश्मेटिक परफॉर्मेंस से हुक्म चलाते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके अलावा शाहरुख अपने लार्जर देन लाइफ दिवाली रिलीजेस के लिए भी जाने जाते हैं। ना सिर्फ दिवाली शाहरुख की फेवरेट स्लॉट है,
बल्कि उनकी रिलीजेस हो गई हैं दिवाली पर सिनोनिमस। पर पिछले कुछ सालों से दिवाली पर कोई दूसरा एक्टर ही हुकूमत चला रहा है, और वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि अजय देवगन है। जी हाँ, 6 दिवाली ब्लॉकबस्टर जैसे गोलमाल रिटर्न्स, ऑल द बेस्ट, गोलमाल 3, सन ऑफ सरदार, शिवाय और गोलमाल अगेन के साथ अजय बन गए हैं दिवाली किंग। जबकि शाहरुख की झोली में सिर्फ 3 ही दिवाली रिलीजेस हैं, जैसे रावण, जब तक है जान और हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे में लगभग दुगने ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड के साथ अजय देवगन ने दे दी है शाहरुख खान को मात। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर, और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाइक। कॉमेडी के बादशाह कहलाने वाले कपिल शर्मा कुछ वक्त तक छोटे पर्दे से गायब रहे, लेकिन अब एक बार फिर ये कॉमेडियन छोटे पर्दे पर अपनी बड़ी वापसी के लिए तैयार है। जी हाँ, सोनी टीवी पर 25 मार्च से ऑन एयर होने वाली शो फैमिली टाइम विद कपिल से कपिल एक बार फिर अपने धमाकेदार वापसी की तैयारी में है। हालांकि अब तक हम सभी इस बात से वाकिफ हो चुके हैं कि इस शो के फर्स्ट एपिसोड पर अजय देवगन अपने प्रेजेंट से 4 चांद लगाते दिखाई देंगे। जहां अजय अपनी फिल्म ग्रेट को प्रमोट करते नजर आएंगे, वहीं अब सोर्सेज के मुताबिक एक और फिल्म की स्टार कास्ट कपिल के इस ब्रांड न्यू शो पर अपनी अपकमिंग फिल्म प्रमोट करते नजर आएंगे, और वो कोई और नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी है, जो अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 2 को इस शो के सेकंड एपिसोड पर प्रमोट करते नजर आएंगे। यानी फर्स्ट एपिसोड में अजय और सेकंड एपिसोड में टाइगर और दिशा के साथ कपिल एक जबरदस्त धमाके की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर, और टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाइक। दोस्तों, सलमान खान की अपकमिंग वेंचर रेस 3 अपने फर्स्ट लुक रिलीज के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। सलमान के इस फर्स्ट लुक को देख उनके फैंस की बेचैनी को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है जैसे उनके फैंस को सिर्फ इसी का इंतजार था। सिकंदर बने सलमान को मिल रहे इस प्यार और रिस्पॉन्स को देख रेस 3 के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ कमाने के आसार नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सलमान के फैंस और ट्रेड का भी कुछ ऐसा ही कहना है। वेल, सिकंदर बने सलमान के फर्स्ट लुक को देखने के बाद उनके फैंस और कुछ गिने चुने ट्रेड एनालिस्ट ने लाखों करोड़ों ट्वीट कर सलमान की तारीफ के साथ साथ ये भी बताया है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ की कमाई कर सलमान की पहली 400 करोड़ ग्रोसर बन सकती है। अब ये प्रेडिक्शन सही साबित होती है या नहीं, ये देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब बात करते हैं इस फिल्म की, तो डायरेक्टर रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही रेस की ये तीसरी इंस्टॉलमेंट इस साल ईद पर रिलीज होगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या आप भी तड़प रहे हैं सलमान की अगली इस रिलीज की बेचैनी में, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान।